नमस्कार, ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं हनुमान मिश्रा। आप जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे लिए कितना सुखद है और कितना सुभद है। खासकर वैदिक ज्योतिष में ऐसे अनेक विधान हैं जिनके सूत्रों के सहारे हम संकटों पर विजय पा सकते हैं और जिंदगी को भी खुशियों से भर सकते हैं। लेकिन कैसे, यही बस यही बात आपको बताने में लगा है ये कार्यक्रम समय शास्त्र। आइए समय शास्त्र में सबसे पहले जानते हैं समय शास्त्र समाचार। आज है भाद्रपद कृष्ण दशमी, दोपहर 15:01 तक दशमी का ही रहेगा प्रभाव। आज के दिन पर है आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव। आज सूर्योदय से शाम 17:15 तक आर्द्रा नक्षत्र, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव। दिन पर है राहु गुरु और बुध का विशेष प्रभाव। 6 सितंबर से शनि हो रहे मार्गी, सत्ता पक्ष को मिलेंगे मिश्रित परिणाम। 3 माह के भीतर सत्ता पक्ष के विरोधियों में इजाफा संभावित। पश्चिमी प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं को लाभ। कुछ वरिष्ठ नेताओं को सत्ता पक्ष दे सकता है विशेष पदभार। अब इन्हीं समाचारों को थोड़ा विस्तार से जान लिया जाए। आज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है और यह तिथि दोपहर को 3:01 तक रहेगी। इसके बाद अगली तिथि यानी कि एकादशी तिथि का प्रभाव हम सब पर हो जाएगा। आज के दिन पर आर्द्रा नक्षत्र का विशेष प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा इस नक्षत्र में अधिक समय तक रहेगा और उसका प्रभाव हम सब पर पड़ने वाला है। सूर्योदय से लेकर के और 17:15 तक आज के दिन पर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रकट होगा। इन तमाम कारणों से आज के दिन पर राहु गुरु और बुध का प्रभाव रहेगा। राहु मायावी, हाई फाई, सनसनी, विद्वेष, इन चीजों का ग्रह है, यानी आज का दिन इनसे रिलेटेड हो सकता है। गुरु व्यवस्था है। राहु गुरु जब आते हैं तो व्यवस्था बिगड़ती है, अव्यवस्था के नाम रह सकता है आज का दिन। बुध का प्रभाव किसी की बयानबाजी को सुर्खियां बना सकता है। 6 सितंबर को क्योंकि शनि मार्गी हो रहा है और यह स्थिति सत्ता पक्ष को मिले जुले परिणाम देगी। कैसे, भारत की कुंडली में दशमेश होता है शनि और वक्री शनि है, अभी 6 सितंबर से मार्गी होगा, तो कुछ ऐसे निर्णय जो पहले गलत हुए हैं उनको ठीक करने से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर जिद पर अड़े रहे तो कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। शनि भाग्येश भी है और भाग्येश के मार्गी होने से निश्चित है भाग्य कुछ साथ देगा तुलनात्मक रूप से। जो कर्म करेंगे अगर सही तो भाग्य साथ देने लगेगा, यानी भारतवर्ष के लिए ये थोड़ा सा बेहतरी ला सकता है, सत्ता पक्ष के लिए बेहतरी। लेकिन कुछ गलत निर्णयों में या तो संशोधन हो गया या उनको लेकर कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। 3 माह के भीतर सत्ता पक्ष के विरोधियों में इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसे योगायोग बन रहे हैं। पश्चिमी प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लाभ मिल सकता है, सरकार उन्हें किसी राज्य का विशेष पदभार दे सकती है, कुछ एक को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, यानी वरिष्ठ नेताओं, क्योंकि शनि बुजुर्ग है, मैं इसलिए कह रहा हूं तुक्का नहीं है, शनि बुजुर्ग ग्रह है और बुजुर्ग ग्रह का जो द्योतक है वो मार्गी हो रहा है, तो कुछ बुजुर्ग या बड़े बुजुर्ग नेताओं, वरिष्ठ नेताओं को इसका लाभ मिल सकता है। और पुराने निर्णयों में विशेषकर क्योंकि शनि एक जात विशेष का द्योतक ग्रह है तो कुछ जात विशेष के विद्रोह विद्वेष सामने आएंगे, ऐसा मैंने ये स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी भविष्यवाणी की थी। और क्योंकि ये 2-3 दिनों में मार्गी हो रहा तो या विद्रोह 2 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगा, या वक्री शनि में अगर कोई घटना होती तो बड़े लंबे समय तक चलती है और उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ऊपर वाला क्या करता है, हम तो चाहते हैं कि देश में सर्वत्र शांति रहे, व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अपने हाथ में सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें तो ऊपर वाला करता है। जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन
उसका लाभ लेने के लिए जगना जरूरी है, लगना जरूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए आप जरूर देखते रहिए समय शास्त्र, आपका समय बेहतर होने के योग बनेंगे और खुशियां समय आप तक जरूर पहुंचेंगी। इसलिए चलते रहिए समय के साथ। चरैवेति चरैवेति। नमस्कार।